नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश शुक्ला और आप देख रहे हैं सीतापुर वाइज। सीतापुर में आज राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने सरकार के खेती के 5 जून 2020 को पारित खेती के 3 अध्यादेश व नए बिजली बिल तथा पेट्रोल डीजल के दाम वापस लेने के संबंध में ज्ञापन जिला अधिकारी सीतापुर को सौंपा है। साथ ही संगठन ने सीतापुर बाईपास को जाम करने का प्रयास किया तथा विरोध प्रदर्शन भी किया है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहले से ही मौजूद था, जिसके कारण संगठन के लोग सीतापुर बाईपास मार्ग को जाम नहीं कर सके हैं। इस संगठन के द्वारा ज्ञापन सीतापुर के SDM अमित भट्ट को सौंपा गया है। संगठन के द्वारा यह भी बताया गया है कि सरकार ने यदि हमारी मांगे नहीं मानी तो हम पुनः बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। मैं सिख संगठन का जिला अध्यक्ष गुरपाल सिंह हूँ। आज हम लोग हाइट जो के खिलाफ आए हुए हैं, उसके लिए हम लोग रोड जाम करेंगे। कुछ भी हो, आज यहाँ लाठी चले हम लोगों पे, हम लाठी भी बरसा लेंगे, खाएंगे ऊपर हम लोगों को, हम लोग रोड जाम करेंगे। जब तक हमारा लोगों का विज्ञापन DM साहब नहीं लेंगे, तब तक हम लोग रोड में रहेंगे। DM साहब आए, हमारा विज्ञापन लेंगे, हम लोग रोड खाली करेंगे। आपका क्या मुद्दा है? जो बिल आया हमारा, जो बिल आए हैं वो मुद्दा हमारा, जो कंपाइनों के पीछे इसमें सिस्टम है वो हमारा मुद्दा है। उससे किसान का भी लॉस हो रहा है, कंपाइन वाले का भी लॉस हो रहा है। इसमें सिस्टम से ये एक्सेल सिस्टम कोई नहीं लगवाएगा, कोई कंपाइन पे नहीं चलेगा, उसमें नुकसान। धान 6-6 क्विंटल हमारा नीचे खेतों में गिरा जा रहा है किसानों का, हम लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान है। आप NS24 पर खड़े हुए हैं, कई गुट है किसानों की, क्या कहेंगे? आपका कौन सा गुट है? मेरा सिख संगठन की तरफ से हम लोग आज सारे ही संगठन एक तरफ आए हुए हैं। सारे संगठन, पूरी यूनियन, किसान यूनियन, BM सिंह का यूनियन, सारा हम लोग एक साथ है यार रोड के ऊपर जी। आज राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे BM सिंह के आह्वान पर, जो किसानों के खिलाफ 3 अध्यादेश सरकार ने पारित किया है, इसके वापसी के संबंध में हम लोग जो है ज्ञापन धरना देना चाहे थे। आज पूरे भारत में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ज्ञापन दे रहा है, धरना दे रहा है। यहाँ का प्रशासन, हम लोग लाल बाग चौराहे पर जा करके चौराहा जाम करना चाहते थे, लेकिन यहाँ का प्रशासन, यहाँ की सरकार के दिशा निर्देश पर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के लोगों को, किसानों को, गरीबों को, नौजवानों को रोकने का काम किया, ये नहीं काम है। सबसे पहले यहाँ पर आए हम लोगों के साथी किसान भाइयों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग अगर जो हम लोग किसान भाइयों की खबर दिखाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन और अन्य जो किसान संगठन है, यहाँ पर इनके द्वारा जो है ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन का प्रेषण शासन स्तर तक तत्काल करा दिया जाएगा।